आइए आपका और यहाँ बैठे हैं ये बेशरम जैसे। कुछ नहीं होता भाई इधर। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुभिष व्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और तुम लोग सोच रहे हो कि आज गाड़ी से स्टार्ट करो क्योंकि घर में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। आज मेन शादी है, हम लोगों को जाना है और बाकी हम लोग गाड़ी में, इसलिए इसमें तेल भरा के लेके आते हैं और इसको धुला के लेके आते क्योंकि इसका आज बहुत ज्यादा काम है। तो मैं और राहुल भाई आए हुए, हम लोग जाते हैं फटाफट से काम करते हैं और घर जाते हैं। नहाया धोया भी नहीं है क्योंकि सब लोग भाई बहुत मेहमान है ना घर पे, तो अभी एक एक करके बारी बारी नहा रहे। हमने कहा तब तक काम निपटाते, तो चलो चलते हैं फटाफट से और गाड़ी धुलाते और तेल भराते। तो गाइस यार हम लोग सोच रहे थे कि सुबह सुबह 9 बजे आए तो हम बहुत जल्दी आए, बट एक्चुअल में भैया के वहाँ काफी भीड़ है तो हम लोगों ने गाड़ी तो घुमा ली है। अभी चलते हैं फटाफट से घर को, पेट्रोल पंप तो बगल में है, पेट्रोल भराते हैं और सीधे घर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो अपनी गाड़ी का नंबर तो मुश्किल ही है, भैया कह रहे थे पानी वानी पड़ाते, उनका चलो छोड़ो फिर इससे बढ़िया तो घर पे कर लेंगे थोड़ा साफ और बाकी एक बार शादी हो जाए उसके बाद आके धुलवा लेंगे। तो चलते हैं फटाफट। तो गाइस इसमें काफी टाइम से मैंने डीजल डलाया नहीं था तो आज देखते हैं इसमें कितने का आता है। अभी तक तो 3 लीटर आ चुका है पर मेरे ख्याल से कहीं भी 20 लीटर के आसपास आ जाएगा। और राहुल तो बढ़िया गाड़ी चलाता है भाई, जो भी बोलो यार सही चलाता है भाई। ऑलमोस्ट 2500 रुपये का पेट्रोल आ गया इसमें, काफी टाइम से नहीं भराया था ना। बाकी गाइस नाश्ते में मस्त करके चाय है, पूरी थी पूरी खत्म हो गई है, बाकी तो हलवा है, हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है और आलू है, आलू भी बहुत मस्त हो रहे। तो नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं सीधे। बाकी यहाँ पर अमर पंडित जी बचा हुआ अभी पूजा का काम कर रहे हैं जो वहाँ पे काम आएगा। पहली गाड़ी जा रही है जिसमें सारा सामान जा रहा है और थोड़े चाचा वाचा लोग जा रहे हैं अभी, वहाँ पे पूरा का पूरा सामान वामान रखेंगे। तो अब गाड़ी नहीं जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, अब वहाँ पे देख के भी आ जाऊंगा कि रास्ता क्या है, क्या सीन है, कैसे ले जाने, क्योंकि अभी हैरियर भी जाएगी। तो जाते हैं फटाफट से और देख के आते हैं। तो चलो राम मंदिर में तो पहुंच गए, अब फटाफट से सारा का सारा सामान जाके रख देते हैं अंदर। तो यहाँ पर होने वाली है पूरी शादी आदि का, यहाँ पे खाने पीने के और यहाँ पे पूरा अंदर बैठ के वो सब है। पर जो भी बोलो मंदिर है बहुत ज्यादा खूबसूरत। मैंने ना मैं आया हूँ रामलीला में आया हूँ, बहुत मजा आता है, पर मैंने कभी मंदिर ऐसे अंदर से देखा, तो बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अब फिर से निकलते हैं सभी लोगों को लेके। तो सब लोग तैयार बैठे हुए, अब चलते हैं फटाफट वापस से। तो चलो थोड़े बहुत मेरे इसमें बैठ गए और थोड़े बहुत जीतू दा की गाड़ी में बैठ गए, अब मस्त करके निकलते हैं और सीधे राम मंदिर में छोड़ के आते हैं। चलो भाई सारे के सारे बैठ गए, अब चलते हैं फटाफट से राम मंदिर। तो गाइस अभी के लिए गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे खड़ी करी है, बाकी बुलेरो यहाँ पे खड़ी है, सारा सामान अब अंदर लेके चलते हैं। भाई ऐसा पसीना आ गया ना क्योंकि सब लोगों ने खिड़की नीचे खोल रखी थी तो एसी नहीं चल सकता था भाई, काली गाड़ी है इतनी गर्मी, पसीने छूट गए यार। तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अभी दोबारा जाएंगे, अब दीदी मैं राहुल हम सब लोग जाएंगे, तैयार हो जाते हैं फटाफट से और देखते हैं। राहुल वाल तो तैयार नहीं, पापा डांट रहे सब लोगों को क्योंकि सच्ची में अभी एक्चुअल में बारात का टाइम हो गया, 2:30 बज गए, पर एक्चुअल में अभी तक का नेहा भी तैयार नहीं हुई, कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डर रहता ना यार वहाँ बारात आ गई और दुल्हन नहीं है। तो अभी चल रहे हैं फटाफट से, निकलते हैं मैं और राहुल तैयार होते, दीदी लोग अपना तैयार हो रहे, तो चलते हैं फटाफट। चलो राहुल भाई। क्या पापा तुम तो यार तैयार बैठो यार, तुम कह रहे हो देख रहे हो, पापा तो मस्त तैयार हो गए, ये देख रहे हो क्या, पापा तो एकदम तैयार हो गए। ओहो दीदी भी तैयार हो गई है, दोनों दीदियां ओके। तो गाइस सभी लोग तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं, नेहा भी आ रही है जिसकी शादी है वो भी, तो चलते हैं फटाफट। पापा दीदी लोग सभी लोग तैयार है, गुडुदा मंगुदा भी तैयार है, तो हम लोग भी निकलते हैं फटाफट से और जाते हैं। अभी तो मेरे को देखना है एक्चुअली कि नेहा ने क्या पहना हुआ है आखिर अपनी शादी पे, शायद से वहीं देखने को मिलेगा, गाड़ी निकालते हैं वरना डांट खाऊंगा। और ये आ चुकी है हमारी दुल्हन जी, ओहो ओहो नेहा लग तो अच्छी रही यार, तो आज जो भी बोलो यार, और दिनों का मैं नहीं कह सकता हूँ पर आज अच्छी लग रही है। आइए आपका इंतजार था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अब सारे के सारे गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, अंकल जी ने लगवा दी, थैंक यू। और बाकी हम लोग चलते हैं अब शादी में फटाफट से और देखते हैं क्या चल रहा है, बारात आ गई, आवाज आ रही है गाने की, तो चलते हैं देखते हैं, बस हम लेट ना हुए। तो बारात ऑलमोस्ट आ गई है और बाकी यहाँ पर तो पूरी तैयारी हो चुकी है, देख रहे हो तुम लोग पूरा हवन हवन तैयार है और खाने पीने का भी तैयार है, तो जल्दी जल्दी बारात आए। ये इसको देखो ऐसे क्या चल रही होगी, काफी प्रॉब्लम भी लगे
है, फ्रॉक लंबी लगे था कि वाह, ये देखो दिमाग। गाइस फाइनली बारात आ चुकी है। ओहो, ये यहाँ पर तैयार है एंट्री के लिए। अब राहुल अपने जीजाजी को वो उड़ाएगा छाता और फिर अंदर को लेके आएगा। अभी तक का भाई का काम होता है, इसके आगे फिर दुल्हन के भाई का काम होता है। बाकी ये रहे हमारे खूबसूरत दूल्हा और दुल्हन। मस्त एकदम भाई। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ फोटो शूट और मेरे को तो बड़ा फनी लग रहा है। तो खाना वाना स्टार्ट हो चुके और बाकी पूजा भी हो रही है, अब अंदर ले जाएंगे पूजा। तो ये और भाई, और मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ भाई, खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है ना, लेकिन हम लोग खाएंगे लास्ट में क्योंकि बहुत बेइज्जती होगी यार। लड़की वाले पहले खा लेंगे तो मजा करो, लेकिन खाना बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में खाएंगे रुक के। चाचा चाची की जोड़ी भी तगड़ी लग रही है। भाई यार दीदी बढ़िया लग रही है यार, जो भी बोलो भाई यार, शादी में सभी क्या मस्त लग रहे भाई। और मेरा मन तो जा रहा है बिल्कुल उस पनीर में जो वहाँ पर रखा हुआ है ना। यार आज तो मम्मी भी क्या सजी यार, मम्मी अच्छे लग रहे हो यार तुम सारे के सारे, आज ऐसा क्या हो रहा है। चलो फाइनली हम लोग भी खाना वाना खा रहे हैं मस्त करके, लेट्स गो। ऐसा लग रहा है जन्मों का भूखा था मैं यहाँ पे। गाइस फाइनली वरमाला का टाइम हो गया, चलो अब आएगा मजा। हाँ बुआ तुम बाल दिखवा लो, बस है बाल ठीक है ये। चलो पागल हो रही क्या, हैप्पी बर्थडे हो रहा है किरण कह रही है हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर तो वरमाला का फोटो शूट चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है इन दोनों का, ये क्यों बैठे हुए हैं। तो नेहा को मेरा पूरा आशीर्वाद, छोटा ऊपर मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो अभी मस्त हम लोग लस्सी पीने आए बाजार में, ऐसे बन गए ये देख रहे हो तुम। ऐसे लस्सी भी नहीं है हम लोग, सब हमको देख रहे हैं जैसे कार्टून जैसे, बीच में कहां से आ रखे हैं। और अब दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाते हैं यहाँ पर, देख रहे हो मैच का सीधा प्रसारण भाई। नेहा जैसे घर में खाती है वैसे खा। तो अब मंगलसूत्र वाली रस्म हो रही है और उसके बाद नेहा की विदाई हो जाएगी। देखा मैंने बोला था ना नेहा रो जाएगी, ये बहुत इमोशनल है यार, रोने लग गई है। नेहा छोड़ो बुआ भी रोने लग गई यार, अब सभी रोने लग गए। और यहाँ बैठे हैं ये बेशरम जैसे, मजाक उड़ा रहे हैं। लाल बाबा मुंह के धो रहे हो हैं, क्या हुआ क्या हो रहा है। अबे कुछ नहीं होता भाई, इधर भाई लोग तो है ही ना। बाकी अभी टाइम हो गया विदाई का, तो गाइस यार फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। मेरे को तो बहुत ज्यादा खतरनाक नींद आ रही है यार, अगर थोड़ी देर में कुछ खा पी के सो जाऊंगा सीधे यार। ओहो दीदी लोग क्या कर रहे हो तुम दोनों, अब ये आधा एक घंटा तुम्हें ये मेकअप उतारने में लगेगा भाई। मम्मी 11 रुपए खुले, 11 रुपए खुले तो दे दो। अबे बजाना अच्छा लग रहा था, बजा दो प्लीज। तो गाइस यार रात के 9:30 बज चुके हैं, अभी थोड़ा सा खाना वाना खाते और उसके बाद डायरेक्टली मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। काफ़ी बार गाड़ी वाड़ी भी जानी पड़ी और फिर वहाँ भी बहुत सारा काम था और पूरा दिन ऑलमोस्ट हम लोग खड़े ही थे। और ये देखो ये मेरी वीडियो डिलीट करो जो मैंने रोई थी। शिवांगी की रोने वाली वीडियो तो पक्का डालूंगा। बाकी जिसको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और शिवांगी के रोने के लिए अलग से लाइक मारना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो। अरे हटा दूंगा यार, हटा दूंगा ठीक है। गुड नाइट गाइज, बाय बाय, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और डालूंगा, बाय बाय।